चलो अभी आगे पढ़ते, अभी कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं अपन, इधर देखो ना, सेक्शन 100 पढ़ रहे। क्या पढ़ रहे, ध्यान दो इधर देखो, सेक्शन ईओजीएम। क्या ईओजीएम बोले तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग थी। हट ना, कितनी बार बुला सकते, कितने भी बार जब भी मन चाहे। अरे हाँ ठीक है, तो इधर देखो सेक्शन 100 में क्या है, इधर देखो ना ऊपर, ये क्या है जीरो, ये क्या है फिर, नहीं नहीं ये क्या है तो बोली ओ, और ये क्या है बोली जीरो, तो ओ ओ जाने जाना, मतलब सेक्शन 100 ईओजीएम। हाँ जाने जाना जे से होता है झंडू, ये भाई सेक्शन 100 ईओजीएम है, बस याद रखो। हाँ ये जीरो कैंसिल। हाँ बोलती हूँ, चलो ठीक है, ये जीरो कैंसिल, बस बस बस। देख या दो लोग बुला सकते, या तो कौन बुलाएगा बोर्ड, या तो शेयर होल्डर्स बुलाएंगे रिक्वेस्ट पे। क्या बोला, शेयर होल्डर्स बुलाएंगे रिक्वेस्ट पे, शेयर होल्डर बुलाएंगे रिक्वेस्ट पे, हाँ रिक्वेस्ट करके। अपन डिबेंचर होल्डर पढ़ा अपन ने, पता है 1/10 ऑफ डिबेंचर, 1/10 वाले, हाँ वो बुला सकते। ये कुशल को थोड़ा कुछ तो करना पड़ेगा अपने को, एक बार उसको त्रिलोक में बिठा के, त्रिलोक पे बिठा के माजा पिला के सब बुलाते, मैं माजा पिला यार, तो स्प्राइट जैसा मूड, पेप्सी वेप्सी मतलब ऐसा। ये देखो प्लेस क्या है, प्लेस क्या है, कौन सी जगह बुला सकते हैं, किधर बुले। अबे भाई एजीएम है क्या है ये, नहीं तो किधर भी बुलाना, क्या फर्क पड़ता है, एनी प्लेस, लेकिन किधर होना चाहिए, इंडिया। मिस्टेक, ये क्या है, एनी प्लेस विद इन इंडिया, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन क्या है, अगर कोई कंपनी का होली ओन सब्सिडरी है, इंडिया में ठीक है, और ये जो कंपनी है ये क्या हो, ये कंपनी जो है वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, क्या हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, तो फिर चलेगा क्या, अरे एक्सेप्शन है बोल रहा हूँ, चले नहीं नहीं, नहीं, नहीं कौन बोल, अबे चलेगा ना गधे, एक्सेप्शन मतलब क्या, एनी प्लेस पे नहीं ले सकता ना वो, अरे एनी प्लेस इन विद इन इंडिया, अभी ये इंडिया के बाहर ले सकते हैं ऐसा बोलना चाह रहा है, अरे एक्सेप्शन मतलब किधर, इंडिया के बाहर ले सकते, एग्जांपल देता हूँ, ये कौन है नहीं समझे, टेरेसा बोलते हैं, ये कौन है टकला, ये कौन है टेस्ला, टेस्ला का क्या है गाड़ी, इंडिया में क्या है होली ऑन सब्सिडरी है समझ, टी लिमिटेड, तो इसको अपना शेयर होल्डर का मीटिंग, टेस्ला किधर की है वैसे, तो इसको अपना शेयर होल्डिंग बुलाना है यूएस में, क्या बुला सकती है, मतलब शेयर होल्डर मीटिंग कौन सा, ईओजीएम, किधर बुलाना है, पूसा में, किधर तो बुला सकती है। अरे हाँ ना एक्सेप्शन पड़ा ना, क्यों मालूम है, जनरली टेस्ला जो रहेगा वो किधर का कंपनी रहेगा, अमेरिका, अमेरिका, ये देखिए अमेरिका का शेयर होल्डर है, ये दिख रहे, ये देख शेयर होल्डर दिख रहे अमेरिका के, ये देख गोरे रहते ना,
ठीक है, छोड़ ना, अमेरिका के टेस्ला शेयर होल्डर, उनको जॉन्डिस हुआ इसलिए पीले दिख रहे, ठीक है। तो ये उधर के शेयर होल्डर है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है उधर के शेयर होल्डर रह गए, उधर कुछ मीटिंग बुलाना है तो एक्सेप्शन देना चाहिए कि नहीं? अरे हाँ, इसका होली ऑन सब्सिडरी है, बट उसके जनरली शेयर होल्डर्स किधर रहेंगे? बाहर के रहेंगे ना ज़्यादा करके। अरे इसकी होली ऑन सब्सिडरी इधर है, इधर के रहेगी तो मीटिंग बुलाएगी, वीडियो कॉन्फ्रेंस से वो लोग होल्ड कर सकते, बट ये बुला सकती है क्या बाहर? और होली ऑन सब्सिडरी होनी चाहिए। हम एक एग्जांपल देता हूँ, चलो तुम लोग गलत करोगे शायद। ये कौन है? टाटा मोटर्स। कौन है? हटना, सतल मोटर हो गया। माय गॉड, भाई भाई को लेक्चर दिखा मैं तो जज करेगा ना मेरे को। ये कौन है? टाटा, चलेगा ना? तो ठीक है, फिर उसको भी लेक्चर में बुला ले, उसको भी बना देंगे। हाँ अरे तुम लोग ऐसा कर सकते हैं, घर पे कोई भाई बहन रहेगा तो तुम मेरा लेक्चर दिखा देगी और बोलेगी तू भी बन जा सीए, ये तो चीटिंग हो जाएगा। ये कौन है? टाटा, सुन ना भाई, टाटा मोटर्स है। इसका, इसने किसको उठाया था? इसका क्या है, जेएलआर क्या है? सब्सिडरी है 100%। एग्जांपल है ये, होली ऑन सब्सिडरी है 100। ये किधर है? टाटा मोटर्स इंडिया में। ये किधर है? आउटसाइड इंडिया। वेरी गुड। तो भाई अभी टाटा को अपना शेयर होल्डर का मीटिंग बुलाना है, कौन सा वाला? यूएजीएम वाला। तो ये यूएस में बुला सकता है क्या? एक बार लैंड विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक बोला, जीएलआर अरे भाई शेयर होल्डर मीटिंग रे भाई, ईओजीएम अपना उषा में बुला सकता है क्या? ये चुप रे, बोलना। हाँ हाँ वाले कितने, ना वाले कितने, फटाफट हाँ वाले कितने, हाँ वाले। अरे बाहर का है समझना, उस एग्जांपल है भाई, ये जेएलआर नहीं समझ, कोई पीएलआर है, अपने को क्या लेना देना है? चलो तो इसको यूएस में बुलाना है मीटिंग, बुला सकता है? टाटा मोटर्स को बुलाना है रे। यस वाले कितने? यस वाले कोई है? और ये दोनों क्या है? गधे, वो तो है ही, नहीं बुला सकते भाई। टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर किधर रहेंगे भाई? उसको समझा। तो ये जो मतलब एक्सेप्शन किसको है? अगर कोई कंपनी है उसकी होली ओन सब्सिडरी, अपन होली ओन सब्सिडरी है उसके, तो फिर ठीक है बाहर बुला। अपनी कोई बाहर वाली है तो नहीं। देख समझे, देख देखो बाहर के देश में चलता है बाहर वाली घर वाली, हाँ तो ठीक है। इंडिया में चलता है क्या बाहर वाली? नहीं चलता, अभी याद रहेगा, समझा तुमको ना? चल बट अ मैन चेंजेस फॉर अ वन गर्ल, बस बस चलो चलो ध्यान दो। हम लोग छिछोरे होते हैं, हम लोग मानते, बट एक ना एक जन के लिए हम चेंज होते हैं, राइट? चल वाह, नहीं नहीं वो फिर क्यों? अबे तुमको कटवाना है ये तो फिर कटवाओ बस। टूटा टूटा दिल टूटा, ऐसा टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। चलो ये कौन है? बस हो गया, नहीं रे शेयर होल्डर है। अबे रिकॉर्डिंग चालू है, ये देख जैस्मिन क्या बोल रही तेरे बारे में, तुमका तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। ये कौन है? शेयर होल्डर्स। कान में ऐसा ध्यान से सुना ना तो सुनते हैं।
हाँ जो फर्स्ट बेंच पे माइक से करीब जो है सबका आवाज आएगा, इसलिए तो मैं तुमको बोलता हूँ जोर से बोलो तो मजा आता है। अच्छा इधर देखो इधर देखो। कुछ नहीं ध्यान दो भाई, इधर देखना भाई। ये कौन है? शेयर होल्डर। रिक्वेस्ट कौन कर रहा है मतलब ये बता रहो। ये कौन है? इसमें से दो लोग आके बोल रहे ईओ जीएम बुलाओ बुलाओ, चलेगा ऐसा? कुछ तो लिमिट रहेगा ना, मिनिमम नंबर ऑफ लिमिट। ये पढ़ा रहा है मैं, रिक्वेस्ट कौन कौन कर सकता है, और रिक्वेस्ट चालू किधर से होता है? इधर से। इसको मैं नीचे लेके जाओ क्या? यो जी एम, ए जी एम का रिक्वेस्ट थोड़ी करेंगे वो तो बुला। क्या ये बेवड़ याद भी कराया सेक्शन 100 है, ओ 00 कैंसिल भी कराया तुम, पेपर चढ़ गया तेरे को, फिर तीखा मत दो रे इसको। तो मिनिमम नंबर ऑफ लिमिट बोले। डिबेंचर याद है तुमको? उसमें कितना था? 110 था। कितना था डिपॉजिट में? कितना था? 110 था। तो इसमें कितना रहेगा? वेरी गुड। तो दो बात है ठीक है, अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल या कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अरे हाँ है ना, इसमें कितना है पता है? मिनिमम 1/10 ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल। चलो अभी ध्यान दो भाई फटाफट। और इसमें कितना रहेगा? 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। कितना? 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। टीवीपी बोले तो टोटल वोटिंग पावर। चलो अभी बहुत ध्यान देना, अभी थोड़ा इम्पोर्टेंट मतलब हार्ड नहीं है, बस आँख और नाक चालू रखना ठीक है। ये कौन है? रिक्विजनिस्ट। क्या जो रिक्वेस्ट करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? रिक्विजनिस्ट। ये कंपनी को क्या दे रहा है? रिक्वेस्ट दे रहा है ठीक है। उसमें क्या लिखेगा? वो मैटर लिखेगा जो भी उसको डिस्कस करने का है, और साइन करके देगा। क्या करके देगा? ये दे देगा कंपनी को। कंपनी को किधर देगा? रजिस्टर्ड ऑफिस में। किधर? कंपनी को मिल गया का नोटिस मिल गया कंपनी को। ये जब भी, अरे यार ये जब भी कंपनी को मिलता है ना, ये कंपनी को जब भी मिलता है इसको क्या बोलते हैं पता है? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ वैलिड रिक्विजनिस्ट। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, वैलिड रिक्विजनिस्ट जो भी है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट इज मस्ट इम्पोर्टेंट। ओके शुरू उधर से ही होता है, डेट से। इसको मैं प्यार से, इसको मैं डेट ऑफ रिसिप्ट बोलेगा ठीक है। अरे क्या रुको, फटाफट हाथ चला। यार आज मेरे को एक अच्छा जोक सुना रहा था, दो जन नहीं आए यार। वापस जो वापस, वेरी गुड ठीक। तुमको पता है इंडिया में ये फैक्ट है, मतलब अभी देखते तुम्हारा नॉलेज कितना। स्पोर्ट्स है इंडिया में मतलब ठीक है, लड़का लड़की दोनों खेलते ठीक है। अभी तुमको मालूम है कबड्डी वर्ड कैसे इंट्रोड्यूस हुआ? कबड्डी, एक पप्पा था वो अपनी बेटी को पूछता था कब बड़ी होगी कब बड़ी होगी कब। अरे हंसो तो सही है एटलीस्ट। कब बड़ी होगी कब बड़ी होगी ठीक है। पापा लड़की को क्या पूछे? कब बड़ी होगी कब बड़ी।
अच्छा था रे ये जो एक तो मैं मुश्किल से सुना मैंने फिर निकल दिया ठीक है चलो करने दे रे पैसा आ गया अपने तो डेट ऑफ रिसिप्ट डेट ऑफ रिसिप्ट इसको मैं प्यार से बोलूँगा डेट ऑफ रिसिप्ट ठीक है ठीक है यार जब भी मिला अभी सुनो अभी ध्यान दो थोड़ा अटेंशन दो इसके ये जब भी मिला ना उसके 21 दिन में मीटिंग का नोटिस भेज देना चाहिए बीओडी ने ठीक है मीटिंग का नोटिस भेज देना चाहिए और इधर से क्या बोला इधर से मतलब ये डेट से 45 डेज के अंदर ना तुमको मीटिंग हेल्ड भी कर लेना मतलब मीटिंग बुला भी लेना है समझा तुमको ये डेट इतना इम्पोर्टेंट है इसके 21 दिन में दौड़ रहा इसके 21 दिन में क्या नोटिस पहुंच जाना चाहिए सबको कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ मीटिंग है और इधर से हाँ इधर से 45 डेज के अंदर मीटिंग हो भी जाना चाहिए हाँ है ना कुछ एक्स्ट्रा रहेगा इसलिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला रहे अरे हाँ ठीक है समझा तुमको अभी मेरे को बताओ अगर अगर इसने 21 दिन में नोटिस नहीं बुलाया और इसने 45 दिन 45 डेज में मीटिंग नहीं बुलाया तो फिर ना थोड़ा एक मिनट ओ सॉरी यार तो थोड़ा नीचे ले लेता है ना हाँ तुम लोग का वांदा नहीं रे अरे क्या हो रहा है अभी दिमाग का दही कर रहा है अभी ये पी भी आ गया ना पी चला गया तुम समझे ना हाँ अभी समझो सुनो अभी ध्यान दो अगर 21 दिन में इसने मीटिंग नहीं नोटिस नहीं दिया और 45 डेज में मीटिंग नहीं बुलाया तो इधर से किधर से इधर से 3 महीने कितने 3 महीने में शेयर होल्डर्स मीटिंग बुला लेंगी और मीटिंग कर लेंगे भाई अभी बीओडी सुनो हाँ बीओडी बीओसी हो गया रे ये बीओडी ने मीटिंग नहीं बुलाया 45 डेज में मीटिंग बुलाया नहीं भाई अभी बीओडी के पास जनरली पावर किसके पास रहता है बीओडी के पास बट सब पावर नहीं रहता है बीओडी के पास ठीक है शेयर होल्डर कुछ पावर अपने इनको डेलीगेट करते हैं बट किधर किधर शेयर भले सब पावर नहीं दिया है कुछ कुछ मैटर में शेयर होल्डर भी जैसे एसआर पास करते हैं अपन बायबैक के लिए तो सब काम इसको नहीं दिया है बट कुछ काम बोला हाँ चल 10% तक बाय बैक है तो तू कर ले हमको आपत्ति नहीं है ठीक है समझ रहे तेरे को आंटी कुछ ठीक है तो अभी शेयर होल्डर तेरा ध्यान भटक गया था इसमें तो शेयर होल्डर मीटिंग बुला लेंगे 3 महीने में और कर लेंगे समझा तुमको ये इतना ही था शेयर होल्डर विल कॉल मीटिंग विल हेल्ड मीटिंग लिख दो कॉल मीटिंग ऐसा फील नहीं आएगा हेल्ड मीटिंग समझा तुमको इतना हाँ डेट 3 months रे मिनट नहीं ये भगवान 3 मिनट बोली हो 3 मिनट में मैगी से भी सर मतलब भाई एकदम मतलब रिया का दिमाग का बात देना भाई 21 दिन में ये लोग नहीं बुलाए तो ये 3 मिनट में बुला ले मतलब इट वॉज वेरी नाइस चलो अभी ये देखो मेरे को बात बताओ मेंबर्स चेंज होते रहते लिस्टेड कंपनी का तुम और रोज शेयर होल्डिंग कोई खरीदता है कोई बेचता है आज किसके पास है कल किसके पास है क्या मालूम
तो जो नोटिस भेजेंगे हम, हाँ, वो नोटिस जो भेजेंगे वो किसको भेजेंगे? मतलब अभी एक पता है, अपन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स रखते हैं, ROM लिखता हूँ मैं, रजिस्टर ऑफ मेंबर लिख। तो अगर बोर्ड बुला रहा है ना, बोर्ड, तो ये डेट ऑफ रिसिप्ट है ना, +3 करने का, क्या करने का ये समझ में, इससे इधर से +3 करने का। अरे सुन तो ले, क्यों क्या T+3 का टाइम दिया है, T+3 रे। तो ये जो नोटिस है, अगर बोर्ड बुला रहा है, बोर्ड बुला रहा है नोटिस, अगर एक मिनट, BOD बुला रहा है, तो रजिस्टर ऑफ मेंबर है ना, तो डेट ऑफ रिसिप्ट +3 डेज के अंत, मतलब इधर एक डेट है समझ, ठीक है, उसका 3 दिन के बाद जो भी ROM में नाम रहेगा ना, वो लोग को सबको नोटिस जाना चाहिए। अरे समझा तुमको, मैं कराएगा एग्जाम्पल के साथ, समझा इतना समझा? और समझ, अगर शेयर होल्डर्स बुला रहे हैं, अगर कौन बुला रहे हैं, शेयर होल्डर्स बुला रहे हैं, तो मेरे को एक बात बताओ, शेयर होल्डर कभी बुलाएगा? जब ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब 21 दिन में अगर इसने इसने नोटिस ही नहीं भेजा, तो इधर से, तो इधर से कौन बुलाएगा? शेयर होल्डर, ठीक है, ये लाल वाला है जो है वो नोटिस के लिए, ठीक है। तो अगर शेयर होल्डर बुला रहा है, तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में जो 21 दिन जब एक्सपायर हो गए, तभी जिनका नाम है उन सबको नोटिस भेज, समझा तुमको इतना? समझा इतना? नहीं नहीं समझा, ठीक है, जिसको नहीं समझा वांदा नहीं, मैं इतना समझा ना तुमको, बाकियों को। तो बोर्ड बुलाएगा तो भाई डेट ऑफ रिसिप्ट से 3 दिन में जिसका नाम रहेगा उसको भेज दो, और जो शेयर होल्डर रहेगा वो ये जब भी 21 दिन, ये दिन पे जो जिसका भी रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम रहेगा उनको नोटिस भेज दो। अभी एक बार बताओ, रजिस्टर किसके पास रहता है, कंपनी के पास कि शेयर होल्डर के पास? कंपनी कंपनी। तो कंपनी ने शेयर होल्डर को मतलब ऑल मेंबर्स का डिटेल देना है भाई, ये नोटिस भेजा है तो सब डिटेल देना चाहिए ना। इधर ही लिख दूँ क्या, कंपनी विल प्रोवाइड ऑल मेंबर्स डिटेल, क्या? एक मिनट रुक, मेरा फ्लो मत तोड़, मैं बता रहा हूँ तेरे को, डोंट वरी, ठीक है, एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले, इतना समझा तुमको? अभी इधर ध्यान दो, अभी मेरे को एक बात बताओ, समझो कुरियर से मीटिंग बुलाना था, तो कितने मेंबर हैं? 10,000 मेंबर है, 100 रुपया कुरियर का चार्जेस समझो, ठीक है, तो 1,000 मेंबर है, 100 रुपया कुरियर का चार्जेस पकड़ो, कितना कॉस्ट हुआ? 1 लाख। अभी ये बॉन कौन करेगा? कंपनी, कंपनी बॉन करेगा, कंपनी बॉन करेगा, हाँ। मतलब चलो कंपनी बॉन करेगा, तुम लोग बोल रहे हैं नहीं, ना? एक मिनट, अरे भाई इधर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग बुलाया नहीं, ठीक है, अभी नोटिस कौन बुलाएगा? शेयर होल्डर, ये लोग से डिटेल ले लेंगे। हाँ हाँ, अभी अपन ने कॉस्ट तो लगेगा, ईमेल समझ, ईमेल नहीं, हमको 1,000 रुपया, 1,000 मेंबर है अपने, उसको 100 रुपये का डिलीवरी चार्ज लेता है, तो कितना कॉस्ट हुआ? 1 लाख रुपया कॉस्ट हुआ। अभी ये बॉन कौन कर, बॉन मतलब भुगतेगा कौन? डिफॉल्ट कंपनी भुगतेगा ना, कंपनी, क्या कौन? हाँ कंपनी भुगतेगा, कंपनी का ओनर कौन? शेयर होल्डर, मतलब हम, ये तो हमको ही हमको मामू बना रहे, अरे समझा तुमको, हमको ही हमको मामू बना रहे, तो ये किससे रिकवर करेंगे पता है? इट विल बी रिकवर्ड, ये दिख रहा है तुमको ये कलर, रिकवर्ड फ्रॉम BOD का रेमुनरेशन। अरे समझा तुमको, उनकी पगार में से काटेंगे भाई, तुमने बुलाया नहीं ना,
तुम्हारी गलती, अभी तुमको पगार में से 1 लाख रुपया काट के देंगे। अरे तुम लॉजिकली सोचो ना, कंपनी के इस पे डाला तो कंपनी का ओनर कौन है, शेयर होल्डर। ये तो मतलब साला करे कोई और भरे बाबू राव, ऐसा हो जाता ना। शेयर होल्डर कौन था, बाबू राव। वेरी गुड, समझा ना तुमको मैं क्या बोला। ये इम्पोर्टेंट था, मतलब ऐसा इम्पोर्टेंट मतलब लॉजिकल था। तो इसका आंसर शेयर होल्डर ही है ना, खैर। अरे कौन, अबे माँ कसम, अभी तेरा बर्थडे तो मैं ऐसा नहीं कि चिल्लाएगा नहीं, अब गाली दे देगा फिर बर्थडे के दिन। बर्थडे के दिन तो रोते पता है ना। हाँ अच्छा, मेरा ऐसा हुआ है, बर्थडे के दिन कोई ना कोई रुला ही देता है माँ कसम। घर वाले घर वाले मतलब ऐसा नहीं, ऐसा कुछ तो चिढ़ जाएगा मैं और रो देगा। हाँ बड़ा केक का पीस दिया तो मान जाता है। वेरी गुड, चलो बीओडी है रेगा दी, बॉन रे बॉन कौन करेगा ये यार। बॉन खर्चा कौन बॉन करेगा, अभी तेरे को जुलाब हो गया तो तेरा खर्चा कौन बॉर्न करेगा, तू ही करेगी ना। नहीं मम्मी गाओगे ना। अच्छा चल समझा ना तुमको, पहले ध्यान दो इधर। चलो अभी कुशल को समझा नहीं था तो अपन एग्जांपल के साथ समझो। ये डेट क्या है, 1 जनवरी, सिंपल रखा है मैंने 2023। इसके 21 दिन में बोर्ड को, मतलब कभी 21 जनवरी 23 तक बोर्ड ने नोटिस दे देना चाहिए, ठीक है। और इधर से 45 डेज, मतलब भाई नोटिस ऐसा लिख रहा है, और 45 डेज कभी तुम्हारा फेवरेट डे को ख़त्म होता है, ठीक है। तो इधर तक मीटिंग हो जाना चाहिए था, ठीक है। अभी समझ, इसने इधर नोटिस नहीं भेजा तो शेयर होल्डर के पास है, तो इधर से 3 महीने के अंदर वो नोटिस मीटिंग कर लेगा। अरे समझा, इधर से 3 महीना मतलब 31 मार्च पकड़ो, तो इधर तक मीटिंग शेयर होल्डर कर लेंगे। शेयर होल्डर्स विल हेल्ड, समझा अभी तेरे को। हाँ और अपना जो नोटिस जो है, नोटिस नोटिस अगर बोर्ड भेज रहा है, समझो बोर्ड भेज रहा है, इधर देख तो इधर +3 डेज, तो आर ओ एम वाला कॉन्सेप्ट था ना, तो इधर कौन सा आएगा, 4 जनवरी 2023। और अगर वही अगर शेयर होल्डर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब शेयर होल्डर्स भेज रहे हैं या रिक्विजनिस्ट बोल लो, तो इधर 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 जो भी मेंबर्स हैं, अरे हाँ है ना, तो कौन सा, अभी समझा तुमको एकदम कॉन्सेप्ट। या अरे इधर 4 तारीख को जिसका भी नाम रजिस्टर और मेंबर में, उनको नोटिस भेजना। 21 तारीख को जिनका भी नाम नोटिस रजिस्टर और मेंबर में, उनको नोटिस भेज। अभी समझा, बट सर हाँ ये, अरे ये दिन को, अरे ये दिन को जो भी मेंबर है उनको नोटिस भेजेंगे कि हम ईजीएम बुला रहे हैं, तुम आ जाओ। बोर्ड नहीं भेजा तो ये भेजेगा ना। अरे भाई तुम खाली पीली कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, तुम पी के आए और खिला रहे हो मेरे को तो। नीचे अरे फटाफट करो, अभी मैं लिखने को टाइम नहीं देता है क्या। हाँ ये सेक्शन नहीं है, मतलब हो जाएगा फटाक से, हो जाएगा। तुम लोग कॉपरेट करेंगे तो सटाक से हो जाएगा। ये फालतू तो डाउट पूछ रहे। हाँ चलो अभी ध्यान दो, टाइम टाइम नोटिस में हम क्या बोलेंगे, टाइम बताएंगे, डेट बताएंगे, प्लेस बताएंगे, फिर
हम बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या करने वाले ये बताएंगे। तुमको पता है ना नोटिस के एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी रहता है, इसमें हम मे या क्या मे मे डिस्क्लोज रीजन फॉर सच प्रपोज्ड रिजोल्यूशन। मतलब क्या, हम रीजन भी बताएंगे कि हमको ये ओआर या एसआर क्यों पास करना है। तो हम लोग क्या मे या मे समझो कौन सा कंपनी है, अदानी, ठीक है। तो गौतम अदानी को किसी ने देख लिया किसी और औरत के साथ, बोला इसको डायरेक्टर से निकालना है, तो लोग मे मे का रीजन प्रोवाइड करना है, तो ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, अभी जो कर रहे करने दो उनको, हमको रीजन नहीं बताना है, बस निकलना है तो निकलना है। तो मे डिस्क्लोज रीजन, अरे समझाना तुमको, अभी ये नोटिस है ये हम कैसे बताए भेजेंगे बोलो, पोस्ट पोस्टल बैलेट से एक तरीका है जिससे रेजोल्यूशन पास करते, पोस्टल मार इसको मारो, एक टपली मार, एक टपली मार दो, सच एक टपली मार ही दे, मैं तो बोल रहा हूँ सटक गए इसको, रजिस्टर्ड पोस्ट इसको ही खड़ा कर देगा, ऐसा पंखा पे लटका देते आप, स्पीड पोस्ट या ई मोड जैसा भेजना है भेज दो भाई। अभी मान लो इधर देख, ध्यान दो ध्यान दो, अभी मान लो कंपनी में कितने मेंबर है, 1 लाख मेंबर, कंपनी में कितने मेंबर है, ठीक है, जी को भी एक मेंबर है, कितना शेयर होल्ड कर रहा था, एक उसको नोटिस नहीं भेजा कंपनी ने, गलती से नोटिस नहीं भेजा, क्या हो गया, कंपनी ने जो भी है ऑल मेंबर्स को भेजना था नोटिस, बट एक्सीडेंटली ऐसे 2-5 ओमिट हो गए, हाँ उसमें से कितना लग गया, उसमें से जी को ही एक था, ठीक है, ती और फिर ये लोग ने मीटिंग बोला लिया, जो पास करना था पास कर लिया, तो ये मीटिंग मतलब वैलिड मीटिंग होगा क्या, मेरे को बताओ, कंपनी एक्सीडेंटली नहीं भेज रहा है, एक्सीडेंटली ओमिट हो जा रहा है, चलेगा भाई चलेगा, एक्सीडेंटली हुआ तो ठीक है भाई, तो भाई चल, अरे भाई 1 लाख मेंबर है, तुमने 99,000 का बोला एक्सीडेंटली गया नहीं, ये क्या भूतिया गया, मतलब वो इसमें जनरली कौन छूटता है पता है, इसमें वो जिसने ईमेल आईडी गलत दे के रखा है या मोबाइल बंद हो गया वो लोग छूट जाते हैं, बाकी जनरली ठीक है, तो वैलिड मीटिंग हो जाएगा, मतलब इतना खास नहीं था बट बता दिया तुमको, एक बार सेक्शन 100 पूरा बता दो, बस हो गया, इधर देख, सेक्शन 100 क्या है, ईओजी है, कौन बुला सकता है, बोर्ड या तो रिक्विजनिस्ट, ठीक है दोनों बुला सकते हैं, अरे हाँ या ना तो बोलो, इधर से रिवाइज, रिक्विजनिस्ट अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल वाले है, एक मिनट, हाँ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो 1/10 ऑफ शेयर, और नहीं है तो 1/10 ऑफ प्रोडक्ट, फिर भाई ये एक मैंने बोला था डेट ऑफ रेसिप्ट ऑफ रिक्विजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो डेट रहेगा उधर से 21 दिन में अंदर नोटिस भेज देना, और 45 डेज के इधर मीटिंग होल्ड करना, समझ, 21 दिन में नोटिस नहीं भेजा तो शेयर होल्डर 3 महीने में मीटिंग बुला लेंगे, अरे हाँ या ना, फिर जो किन किन को नोटिस भेजेंगे, तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जिनका नाम रहेगा उनको, तो बोर्ड अगर बुला रही है तो डेट ऑफ रिसिप्ट प्लस 3 डेज में जिसका नाम है, और शेयर होल्डर्स अगर बुला रहे तो 21st दिन जब भी एक्सपायर हो, जब भी जिनका नाम है, ये जो ये इंपॉर्टेंट था, अगर शेयर होल्डर मीटिंग बुला रहे और अगर कुछ कॉस्ट हो रहा है तो बॉन कौन करेगा, जनरली सब जगह कंपनी, बट इधर ये तो अपने को ही मान, तो इधर कौन रिकवर फ्रॉम बीओडी का रेमेडी, अरे हाँ ना, फिर ये एक समझाया था मैंने,
और एक्सीडेंटली अगर कोई चूक जा रहा है तो मानदान। अरे जानबूझ के किया तो नहीं चलेगा फिर। हाँ रे इतना डिटेल में मत जाओ, जनरली सबको मेल आ जाता है। सेक्शन अभी समझ, जिग्नेश था उसने आईडी बनाया था जिग्नेश तिवारी 20@gmail, आज वो 21 का हो गया तो 21 बना दिया। अभी कंपनी मेल नहीं भेजेगा बराबर ना। अरे जैसा सवाल वैसा मेरा आ जवाब। अरे तो वो भी उतना नहीं भेजा तो ये ना। चल अरे बोला नोटिस कैसा भेजा तो बोलते पोस्टल बैलेट वहाँ का सा। अरे रिविजन, अरे तो कुछ भी बोलते है। अरे चल चुप रे, तो चुप रे, मत कंफ्यूज कर बाकी को। शट अप। नोटिस ऑफ मीटिंग क्या है? सेक्शन 101। मेरे को एक बात बताओ, अपन ऐसा ब्राह्मण को पता है ऐसा 100 रुपया देते तो वो लोग 1 रुपया ऊपर का मांगते, शकुन वो बोलते लास्ट में 0 नहीं होना चाहिए, तो 10 लाख भी देगा ना तो 1 रुपया ऊपर से मांगते। तो अपन देते किस में? एनवलप में। ऐसा नोटिस ऑफ मीटिंग किस में भेजेंगे? एनवलप में 101 याद रखना। ठीक ठीक है, 101 क्या है? नोटिस ऑफ मीटिंग, जितना याद रहेगा रख सकते, नहीं रखने का नहीं रख सकते। चलो अभी कंपनी, हाँ तो नोटिस ऑफ मीटिंग जो ये इम्पोर्टेंट है, 21 क्लियर डेज पहले जाना चाहिए। 21 अगर तुम पढ़ोगे नहीं ना तो ये नहीं हो पाओगे तुम। चलो बता, 21 क्लियर डे, नहीं वर्किंग डे नहीं बोला, क्लियर डेज। संडे भी आ गया, मंडे भी आ गया, सब आ गया। ठीक है ये देख, ये कंपनी है, ये क्या भेज रहे हैं? नोटिस भेज रहे हैं मीटिंग का, तो ये 21 क्लियर डेज होने चाहिए। लेकिन ये 21 क्लियर डेज में से हम एक्सक्लूड क्या करेंगे पता है? डेट ऑफ सर्विंग एंड डेट ऑफ मीटिंग। ये इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूड क्या करेंगे हम लोग? समझो तुमको मीटिंग बुलाना था 27 दिसंबर 2022, अभी बुलाना था तो ये दिन को मत गिनो, इसके 21 क्लियर डेज पहले। मतलब एक शॉर्टकट बताओगे? एक शॉर्टकट -22 कर देने का सीधा। शॉर्टकट क्या बोला मैंने? ये ऑफ हुआ, शॉर्टकट -22 कर देने का, तो 27 - 22 5 दिसंबर तक नोटिस सर्व हो जाना चाहिए। अरे समझा ना तुमको नीलम? समझा? वेरी गुड। तो जाग रही है? ठीक है, गाँव जा रही है? यस सर। ठीक है, शी इज गोइंग गाँव। गाँव में नेटवर्क रहेगा ना, लेक्चर देखने का पहले ही बोल रहे, सबको दिखाने का। ठीक है, सबको मत दिखा। हाँ वो भी है, मत दिखा, शी इज पार्टली राइट दिस टाइम, सबको मत दिखा। ठीक है, समझा तुमको? ये पप्पा बोले कि मत जाए मत अभी क्लास। मैं तुम्हारी सोच को सिर्फ तुमसे मिलाता हूँ बस, और कुछ आई एम जस्ट अ मीडिएटर। नहीं नहीं, आई एम जस्ट अ मीडिएटर, नो नो। यूट्यूब इधर देखो, ध्यान दो, एक एग्जांपल दो क्या तुमको?
नहीं, कौन बोला? तेरे को भी एग्जाम भी देने का है। तो क्या हुआ, व्हाट अ बिग डील? एग्जाम के दिन पढ़ के जाते ना सुबह। 24 इधर देखो, ये कौन सा लिखा है, जनवरी लिखा है, समझो ना कोई भी। 24 जनवरी को, ये एक मिनट, एग्जाम्पल थोड़ा ड्राफ्ट मैंने गड़बड़ किया है, बट ठीक है। 24 जनवरी को तुमको मीटिंग बुलाना था, कभी 24 फरवरी को मीटिंग बुलाना था, ठीक है। तुमने मीटिंग का नोटिस कभी भेजा पता है? 5 फरवरी को, कभी चलेगा? नहीं। 24 माइनस 22 कितना होता है? 19 होता है भाई। तू पी क्या है, पार्टी ज्यादा हो गया रात को? आज जिग्नेश का बर्थडे तो अपने को पार्टी है, जो नहीं आए सॉरी, तुमको नो पार्टी, ठीक है। तो 24 माइनस, इधर देख ध्यान दे अभी, मस्त है ये। 24 माइनस 22 कितना होता है? दो होता है। 2 फरवरी तक सर्व कर देना चाहिए था। अरे हाँ या ना, इसने कभी किया तो ये वैलिड है क्या? नहीं। वैलिड है नहीं। अभी मजा आएगा, क्या आएगा? इसने कभी डिस्पैच किया 31 जैन को क्या क्या? ठीक है, 31 जैन को डिस्पैच किया, समझ कुशल को। किसको? कुशल को मिला कभी मालूम है? 10 फरवरी को। कभी मिला? 10 फरवरी, ध्यान से समझ। मीटिंग कभी है? 24 तारीख को, 24 को मीटिंग है, 24 को मीटिंग, 24 फरवरी को, समझाना तुमको। मीटिंग 24 फरवरी, इसको कभी मिला? कंपनी ने 31 को डिस्पैच किया था, ठीक है। तो अभी ये वैलिड है क्या? हाँ। क्यों भाई? वो तुमको याद था क्या? लेकिन घंटा कि तुमको याद था, तुमको क्लिक भी हुआ क्या? देखो हुआ क्लिक, देखो हुआ क्लिक नहीं तेरे को? एक अपन ने सेक्शन 20 पढ़ा था, पता है? अगर हम पोस्ट कर दे तो 48 आवर्स में हम लोग मान लेंगे कि उसको सर्व हो गया है। अरे हाँ, तो उसको सर्व कभी मान लेंगे? 2 फरवरी, तो ये वैलिड हो जाएगा, ध्यान रखना। अरे हाँ है ना, आज तुम्हारा 2 बार कॉन्सेप्ट टेस्ट हुआ, एक तो फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन स्टार्टिंग में, और ये सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट। तो तुम अगर रिवाइज नहीं करोगे तो समझ गए ना तुम्हारी पोजीशन क्या रहेगा फिर। तो ये वैलिड हो जाएगा। अरे हाँ या ना, समझा? भले इसको 23 को भी मिला, पड़े सो। तुमको नहीं लगते 21 दिन थोड़ा ज़्यादा हो गया? 21 क्लियर डे, तो शॉर्टर पीरियड हो सकता है क्या थोड़ा? वेरी गुड, शॉर्टर। हाँ, ये लास्ट कॉन्सेप्ट भी है, बस इधर तक ही है, फिर मॉड्यूल रीड करके छोड़ देगा, ठीक है। तो शॉर्टर पीरियड है क्या? क्या क्या सेक्शन 20 रे सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स का? अरे रीजन है रे, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट सेक्शन 20 था ना, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट 48 आवर्स में मान लेंगे, इतना लिखा उसके बाद समझाओ उसको।
सेक्शन 201 क्या है मैं बोलते थे अभी ध्यान नहीं रहते तुम्हारा मतलब शॉर्टर पीरियड आ गया इसलिए मैं ब्रेक नहीं देता अभी कल से ये ब्रेक भी बने आज आके ही बोला कि अच्छा लग रहा है कैंसल शॉर्टर पीरियड है क्या है शॉर्टर पीरियड तो अगर एजीएम के लिए किसके लिए और किसके लिए ईओजी ईओजीएम बड़ा है पहला अपन किसका पढ़ते हैं अगर एजीएम का है तो किसका 95% ऑफ मेंबर्स का क्या लगेगा कंसेंट लगेगा भाई वो तेरा गलती है फिर तो वो भी सुनते आई थिंक और फिर ईओजीएम है ईओजीएम का नीचे लिखो क्या मैं तो, हाँ। तो तुमको जिधर लिखना है मेरे को नीचे कंफर्टेबल लग अगर हैविंग शेयर कैपिटल या नॉट हैविंग शेयर कैपिटल कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल पहले कौन सा पढ़ेंगे हम नॉट हैविंग शेयर कैपिटल इधर कौन कितना रहेगा 95% ऑफ टोटल वोटिंग का अरे हाँ है ना इधर कितना है पता हैविंग शेयर कैपिटल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर कितना मेजॉरिटी ऑफ मेंबर प्लस क्या प्लस मतलब एंड मतलब दोनों साथ में होना चाहिए 95% ऑफ मेंबर होल्डिंग पेड अप शेयर कैपिटल इसको प्यार से मैं बोलता हूँ सिर्फ ऐसा लॉ में नहीं है ड्यूअल मेजॉरिटी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं मतलब दोनों होना चाहिए समझा तुमको ये ड्यूअल मेजॉरिटी समझा मेजॉरिटी ऑफ मेंबर प्लस उनके पास कितना 95% ऑफ नहीं समझा ठीक अलग नहीं साथ मैं सिखाता है मैं मानता मैं इतना तुमको ये नहीं समझता है कि तुम एकदम ही होशियार है हाँ ठीक है तुम एकदम क्या है डम कौन डम अरे आई मीन ऐसा जोक मार देते बचपन में पता है वो स्कूल में बस आज इसका बर्थडे चलो इधर ध्यान दो अरे सुनो अभी मैं सिखा रहा है ना चलो मैं बोला ना 18 प्लस मैंने मार्क किया है अभी कंपनी हैविंग शेयर होल्डर शेयर कैपिटल का एग्जांपल दे रहा हूँ ठीक है अभी मेरे को एक बात बताओ ये 95 एजीएम का तो हमने समझा 95% ऑफ मेंबर अभी जनरली अदानी रिलायंस ऐसा बड़ा बड़ा या छोटा प्राइवेट लिमिटेड ऐसा उसमें मेजॉरिटी स्टेक किसका रहता है हाँ मतलब 95 तो समझ कंपनी में कितने मेंबर है जितने भी है हाँ 200 मेंबर है ठीक है 20 मेंबर होल्ड कर रहे 98% ऑफ मेंबर कितने कंपनी में मेंबर कितने 200 20 मेंबर कितना हेल्ड कर रहे 98% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल तो बताओ वैलिड है कि नहीं वैलिड है हाँ या ना ये क्या है प्लस है प्लस मतलब मेजोरिटी 100 जन अगर 101 जन बोलते ना और 101 जन ऑफकोर्स इससे ज़्यादा ही होल्ड करते रहते तो फिर वैलिड होता तो ये वैलिड है क्या नहीं समझा भले 20 लोग पूरा 98% फिर तो ये अपना ही चलाएंगे तो इसके लिए ड्यूअल मेजोरिटी डाल समझा अभी ड्यूअल मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट
दोनों साथ में होना चाहिए, मतलब मेजोरिटी ऑफ मेंबर भी होने चाहिए और वो लोग हेल्ड करने चाहिए, इज हेल्ड बाय लिख दो ऐसा ब्रैकेट में प्लस के इधर होल्ड्स होल्ड्स लिख दो खाली, होल्ड्स 95% ऑफ। अरे समझा ना तुमको ये फाइनल में ऐसा ये कॉमन हो जाता है, समझा तुमको? जिसको नहीं समझा वो रिवाइंड करके देख लो। क्या इम्पोर्टेंस पी के आई क्या तू? एक मोड़ आया मैं उसको छोड़ आया। चलो इधर ध्यान दो, अभी नोटिस जो है कंपनी किसको देगी? कंपनी नोटिस किसको देगी बताओ? पागल लोग को देगी। किसको देगी? किसको देगी? कंपनी किसको देगी नोटिस? पागल लोग को। मेंबर्स को देगी, फिर ऑडिटर को देगी और किसको देगी? डायरेक्टर्स को देगी। अरे समझा ना तुमको, अपन ऑडिट में पढ़ेंगे राइट टू रिसीव नोटिस, ऑडिटर का राइट भी है नोटिस रिसीव करना। तो कंपनी किसको? पागल लोग को नोटिस देगी, ठीक है, मेंबर्स को, ऑडिटर को और डायरेक्टर्स को। अभी मेंबर्स का मैं नीचे कंटिन्यू कर रहा है, समझो अगर मेंबर का डेथ हो गया, क्या हो गया? डेथ हो गया तो पता है उसका एलआर आ जाता है कि भाई मेरे नाम पे हो गया। अभी एलआर मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, तो डेथ हो गया तो किसको नोटिस भेजेंगे हम? उसके एलआर। और अगर कोई रिया हो गया, सॉरी हाँ नहीं, रिया तो ल्यूनेटिक में इंसॉल्वेंट में ही है फिलहाल, तो ठीक है, अगर कोई इंसॉल्वेंट हो गया, क्या हो गया? इंसॉल्वेंट, तो किसको भेजेंगे? जो उसका असाइन ही रहता ना। चलो फटाफट करो, अपने को पार्टी लेने जाने के जिग्नेश का, जो भी देगा हम खा लेंगे भाई, भूख लगा है जोर से, आधा खाकरा खाया है सुबह से। और ये भाई टेस्ट जो लिख रहा है उसको हम बोले पेपर पेन साथ में ले ले, खाते खाते ले। चलो इधर समझा तुमको, अभी ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट, ये देखो इतना ही बाकी है, इम्पोर्टेंट है अभी। क्या ये क्वेश्चन आता है सीधा उठ के क्वेश्चन, मैं बोलता है ना ऐसा क्वेश्चन आता है तो आता है, ठीक ठीक है। ई मोड से हम भेज सकते क्या? अभी 1,00,000 मेंबर है, कितने? 1,00,000, तो सबको बोले ना 1,00,00,000 हो जाएगा, 1,00,000 मेंबर इंटू 100 रुपया, 1,00,00,000 तो खर्चा ही हो गया बोहन भाई कंपनी मतलब, ठीक है, तो बेच सकते क्या? यस, ठीक है, 4 पॉइंट का ध्यान रखना है, ठीक है। पहला तो स्टैट्यूटरीली रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, मतलब लॉ में लिखा होना चाहिए कि तुम बेच सकते हो, और अपने लॉ में तो लिखा ही है एनी अदर मोड ई मोड, तो स्टैट्यूटरीली रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। ये सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स का ना, या सर्विस ऑफ, हर एक एक्ट में एक सेक्शन है, भी इनकम टैक्स में भी है, सर्विस ऑफ नोटिस ई मोड से कर सकते। इनकम टैक्स में तो कैसे मालूम है? जैसे एक मिनट अब बाहर निकल रहे थोड़ा, इनकम टैक्स में तो पहले तो हम तुमको घर पे भेजेंगे, वरना तुम्हारे कंपनी में भेजेंगे, वरना तुम्हारे क्या बोलते किधर और एड्रेस पे भेजेंगे, वरना हम हमारे वेबसाइट पे डाल देंगे और मान लेंगे कि तुमको नोटिस मिल गया, मतलब अपन पढ़ेंगे तभी फाइनल में, अभी नहीं।
चलो वापस कंडीशन आ जाओ, पहला तो स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, अगर अगर अभी देखो प्रोस्पेक्टस रिस्पेक्टस भेजना है तो 100 पेज 600 पेज का तो ये है, तो या तो तुम टेक्स्ट में लिख दो, या तो क्या लिख दो टेक्स्ट में लिख दो, या तो अटैचमेंट कर दो, अरे हाँ ना पीडीएफ अटैच कर दो, लेकिन अटैच किया तो मेल जाता है क्या, वो एमबी से बड़ा हुआ तो नहीं जाता है पता है, तो फिर क्या ऑप्शन है, गूगल ड्राइव पे लिख दो, गूगल ड्राइव पे और लिंक शेयर कर दो, अरे हाँ ना तो यूआरएल से, तुमको कुछ समझ रहा है क्या रे, अभी मैंने जैसे अभी जिगू का एग्जांपल दिया, इसका ईमेल आईडी क्या था, जिग्नेश तिवारी 20@gmail, अभी क्या कर दिया उसने 21, अभी इसमें इसको गया नहीं तो लफड़ा हो जाएगा ना, तो कंपनी के ऊपर एक ये डाल दिया कि एवरी फाइनेंस मतलब क्या बोलते हैं कंपल्शन डाल दिया, एवरी फाइनेंशियल ईयर में ना तुमको मतलब हर एक टाइम कोई तो ऐसा ऑप्शन देना पड़ेगा, वेरी गुड कि भाई अरे ये डे छुपा के रखने का ना, वेरी गुड, तो आज तो पक्का पार्टी, मैंने नहीं किया, ये लोग ने किया, सैंडविच भी लाया अरे बोला ये भी एडवांस निकला, मैं सोचा केक ला रहे तो इससे बोला सैंडविच भी ले अरे भाई एक ऑप्शन रुक ना भाई, ऑप्शन देना पड़ेगा ईमेल एड्रेस अपडेट या चेंज करने के लिए, ईमेल एड्रेस को अपडेट चेंज या जो भी तुमको करना है, या तो किसी का डब्बा फ़ोन था तो अभी ईमेल एड्रेस उसको डालना है, ऐड करना है, डिलीट करना है, जो है मतलब समझ गए ना तुम, ऑप्शन रखना पड़ेगा, और जो नोटिस रहेगा उसको कंपनी के वेबसाइट पर भी डाल दो, अरे हाँ या ना, तो एटलीस्ट अगर किसी को मेल वेल नहीं आया तो कंपनी के वेबसाइट से देख लेगा नोटिस, अरे हाँ है ना हाँ चलो तुमको समझा, ई मोड से हम भेज सकते क्या, हाँ पहला तो स्टैट्यूटरली रिकॉग्नाइज होना चाहिए, फिर जो भी है हम पूरा टेक्स्ट में या अटैचमेंट या यूआरएल के फॉर्म में दे देंगे, फिर फाइनेंशियल में एक ऑप्शन रखना है भाई किसी को ऐड डिलीट जो करना है करके जाओ, और नोटिस जो है वेबसाइट पे भी डाल देना है, कम समझा तुमको इतना, एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम सेक्शन 96, सेक्शन 96 वन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट्स दैट एवरी कंपनी वेदर पब्लिक और प्राइवेट एक्सेप्ट वन पर्सन कंपनी शाल होल्ड एन एनुअल जनरल मीटिंग एवरी ईयर एंड दैट द गैप बिटवीन टू एजीएम्स शाल नॉट बी मोर देन 15 मंथ्स। देखा एक्सेप्ट ओपीसी, ओपीसी को अपन ये देते थोड़ा लिबरल देते ना हम लोग, the company shall specify the meeting as such that is annual general meeting AGM in the notices calling it holding of annual general meeting AGM annual general meeting should be held once every year first AGM of the company should be held within 9 months from the closing of the first financial year hence it shall not be necessary for the company to hold any AGM in the year of its incorporation Subsequent AGM of the company should be held within 6 months from the closing of the financial year. The gap between two AGM should not exceed 15 months. Extension of validity period of AGM. ROC. In case it is not possible for a company to hold an AGM within the prescribed time, the registrar may for any special reason extend the time within which any AGM shall be held. Such extensions can be for a period of not exceeding 3 months. No extensions of time can be granted by the registrar for holding of the first AGM. In case it is not possible for a company an AGM within or may they get no extensions can be granted by registrar. First AGM to pehle usme to dekho. Generally subsequent ke liye time kitna hai? 6 mahina. 6 महीना है कि नहीं, फर्स्ट के लिए कितना है 9 महीना, तो पहले ही उधर तुमको +3 करके दिया है, तो फर्स्ट एजीएम में हम एक्सटेंशन देंगे क्या, नहीं उधर लिख दो नोट्स पे एक्सेप्ट फर्स्ट एजीएम,
अरे हाँ यार ना, समझा ना तुमको, लॉजिकल है एकदम। इधर गया वो, इधर गया बे। किधर गया, किधर? हाँ सब रेमंड का ही है। अरे वो उसका ही पॉकेट पे ना ये प्लेन पॉकेट रहता है, बाकी सब अपना ब्रांडिंग करते। इधर लिख दो एक्सेप्ट, फर्स्ट चीज है। अबे क्या पागल है क्या तू, पी के आई क्या? अबे थ्री मंथ, अबे एक्सटेंशन थ्री मंथ देगा वो मैंने लिखा है। एबीस ग्रोसर्स ग्रोसरीज ग्रोसरीज है ना, ग्रोसर्स प्राइवेट लिमिटेड क्लोज्ड इट्स FY ऑन 31st March 2022। व्हेन शुड इट होल्ड इट्स AGM फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 96(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट, एबीस ग्रोसर्स प्राइवेट लिमिटेड शुड होल्ड इट्स AGM फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 लेटेस्ट बाय 30th September 2022 अनलेस एन एक्सटेंशन इज ग्रांटेड बाय ज्यूरिसडिक्शनल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज फॉर एनी स्पेशल रीजन। इलस्ट्रेशन 14। अभियुष मैकेनिक्स आ रहे क्या बीच में? हाँ, अब एबीरश मैकेनिक्स लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 12 July 2022। व्हेन शुड द कंपनी होल्ड इट्स फर्स्ट AGM? अभी खत्म हो, 12 जुलाई ना, विद इन 9 months ऑफ क्लोजिंग। हाँ आंसर पढ़ू इन द अबव? हाँ, टाइम एंड प्लेस फॉर होल्डिंग एन AGM, सेक्शन 96(2) स्टेट्स दैट एवरी AGM शाल बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, दैट इज बिटवीन 9 AM टू 6 PM ऑन। हाँ एनी डे दैट इट इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे एंड शाल बी हेल्ड आइदर एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी और एट सम अदर प्लेसेस विद इन द सिटी टाउन और विलेज इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड, प्रोवाइडेड दैट AGM ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी मे बी हेल्ड एट एनी प्लेस इन इंडिया इफ कंसेंट इज नॉट गिवन इन राइटिंग और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड। अच्छा जास्ती दिख रहा लगता है मेरे को, मोड बाय ऑल द मेंबर्स इन एडवांस, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द CG मे एग्जेम्प्ट एनी कंपनी फ्रॉम द प्रोविजन्स ऑफ द सबसेक्शन सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज इट मे इम्पोज। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन नेशनल हॉलीडे मीन्स एंड इंक्लूड्स अ डे डिक्लेयर्ड एज नेशनल हॉलीडे बाय द CG। एक्सेम्प्शन पढ़ू? ये बाकी सब जो नेशनल हॉलीडे ना, बैंक हॉलीडे वो स्टेट गवर्नमेंट बोलता, जो CG ने बोला है वो तीन ही बोला है, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती। समझा तुमको? मोदी मर जाएगा फिर भी एक नेशनल हॉलीडे तभी रहेगा। हजारों साल कोई नहीं, अपना पहचान है सर, अपना पहचान है, टेंशन मतलब अपना पहचान है BJP में। एग्जम्पशन टू सेक्शन 8 कंपनीज, इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इन सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 96 आफ्टर द प्रोविजो एंड बिफोर द एक्सप्लेनेशन द फॉलोइंग प्रोविजो शाल बी इंसर्टेड, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द टाइम डेट एंड प्लेस ऑफ ईच AGM आर डिसाइडेड अपॉन बिफोर हैंड बाय द बोर्ड ऑफ BOD हैविंग रिगार्ड टू द डायरेक्शंस इफ एनी गिवन इन दिस रिगार्ड बाय द कंपनी इन इट्स जनरल मीटिंग। The above mentioned explanation shall be applicable to Section 8 company which has not committed a default in filing of its financial statements under Section 137 of the annual return under Section 92 of the registrar. Notification number वो जो भी है। Exemption to government companies. In case of government company, Section 96(2) shall be read as every AGM meeting shall be called during business hours, that is between 9 AM and 6 PM. On any day that is not a national holiday and shall be held either at the register office
of the company or such other place within the CTV in which the registered office of the company is situated. सीधा पावर पे आओ क्या पावर ऑफ ट्राइब्यूनल पढ़ो अबव मेंशन पढ़ने का द अबव मेंशन एक्सेप्शन मॉडिफिकेशन एडेप्शन शैल बी एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी विच हैज नॉट कमिटेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137 और एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 विद द रजिस्ट्रर नोटिफिकेशन कोई एग्जेम्पशन ना कोई भी जनरली बोल रहा हूँ मिलता है अगर तुमने 130 फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न में डिफॉल्ट नहीं किया वो बाय डिफॉल्ट साथ में आता है हर जगह पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू कॉल AGM सेक्शन 97 इन केस ऑफ अ नहीं किया ना आपने 100 पे आई थी शायद भूख मारू क्या जोर से रोहित भूख मारू क्या जोर से तो ईयरफोन सबका कान फट जाएगा कीप इट रोलिंग कीप इट रोलिंग यस आई एम रेडी विद माय डिसीजन ठीक है पूछा था वो नीचे आओ नीचे अरे ऐसा 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 सर्किस लो नीचे हाँ 101 नोटिस ऑफ मीटिंग सेक्शन 101 सेक्शन 101 ऑफ द कंपनीज एक्ट 13 स्टेट्स दैट इन ऑर्डर टू प्रॉपरली कॉल अ जनरल मीटिंग अ नोटिस फॉर एटलीस्ट 21 क्लियर डेज इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन आइदर इन राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन केस ऑफ स्पेसिफाइड IFSC पब्लिक कंपनी सेक्शन 101 शैल अप्लाई इन केस ऑफ अ स्पेसिफाइड IFSC पब्लिक कंपनी अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल्स ऑफ द नो कंपनी इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इन क्लॉज 1 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 101 फॉर द वर्ड्स 21 डेज द वर्ड्स 14 डेज शैल बी सब्स्टिट्यूटेड द एक्सेप्शन शैल बी एप्लीकेबल टू अ सेक्शन 8 कंपनी विच हैज नॉट कमिटेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 137 और एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 विद द रजिस्ट्रार 21 का वो शॉर्टर ना 14 ऊपर है हाँ 21 क्लियर है लास्ट डे पे क्या करने पड़े लास्ट डे पे सिर्फ रिवीजन लेक्चर सुनना है और जो भी क्वेश्चन मार्क करा है वो करना है बस सर गर्म नहीं होता आपको गर्म हो दिखा रहा है क्या क्या दिखाने पागल हो गए देख रहे तू अरे ब्रेक नहीं ये पढ़ Contents of the notice section 1012 Every notice of a meeting must state the place, date, day and hour of the meeting and shall contain a statement of business to be transacted at that meeting. Persons entitled to receive the notice of general meeting. The notice of every member of the company shall be given to every member of the company, legal representative or any deceased member. Deceased. Deceased member or the assignee of insolvent member, the auditor or auditors of the company, every director of the company. Notice needs to be served to members, legal representative, assignee, auditor. Meaning 21 clear days. The term 21 clear days means that the date on which notice is served and the date of meeting are excluded while sending the notice of a meeting. A company cannot curtail the requirement of 21 clear days through its article of association. Notice. Where a notice of meeting is sent by post, it shall be deemed to be served at the expiration of 48 hours of the letter containing the same postage. मतलब 21 days के पहले
माइनस टू कर दिया ना तुमने, मतलब तो उधर तक तुमको सर्व कर देना है, मतलब समझो अपने एग्जांपल में कभी मीटिंग बुला रहे थे 24 फेब को, माइनस 22 दो फेब, तो 31 तक ना तुमको सर्व कर देना है, फिर वो ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा। अरे हाँ या ना, मैं ये जनरली बोला तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये मैंने बताया अभी लास्ट में। सेंडिंग ऑफ नोटिस ऑफ मीटिंग थ्रू ई मोड, एज पर रूल 18 ऑफ द कंपनीज एक्ट मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 14, सेंडिंग ऑफ नोटिस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड हैज बीन स्टैट्यूटरीली रिकॉग्नाइज्ड, अकॉर्डिंगली इट इज परमिटेड फॉर अ कंपनी टू गिव नोटिस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। द एक्सप्रेशन ई मोड शाल मीन एनी कम्युनिकेशन सेंट बाय अ कंपनी थ्रू इट्स ऑथराइज्ड एंड सिक्योर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम विच इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग कन्फर्मेशन एंड कीपिंग रेकॉर्ड ऑफ सच कम्युनिकेशन। Address to the person entitled to receive such communication at the last electronic mail address provided by the member. A notice may be sent through email as a text or as an attachment to email or as a notification provide electronic link or uniform resource locator for assigning such notice. Uniform resource locator. Rule 18.3. The email shall be addressed to the person entitled to receive such email as per the records of the company as provided by the depository. It is to be noted that the company shall provide an advance opportunity at least once in a financial year to the member to register his email address and the changes therein, and such request may be made by only those members who have not got their email ID recorded or to update a fresh email ID and not from the members whose email IDs are already registered. The subject line in email shall state the name of the company, register of the type of meeting. The subject line in email shall state the name of the company, notice of the type of meeting, place and the date on which the meeting is scheduled. If notice is sent in the form of a non-editable attachment to email, such attachment shall be in portable document format or in a... or in a non-editable format together with a link or instruction for a recipient for downloading relevant versions of the software. The company's obligation shall be satisfied when it transmits the email, and the company shall not be held responsible for a failure in transmission beyond its control. If a member entitled to receive notice fails to provide or update relevant email address to the company or to the depository participant, as the case may be, the company shall not be in default for not delivering notice via email. The company may send email through in-house facility or its register and transfer agent, or authorize any third-party agency providing bulk email facility. The notice shall be placed simultaneously on the website of the company, if any, and the website as may be notified by the central government. Non-receipt of notice. According to Section 1014, any accidental omission to give notice or to the non-recipient of such notice by any member of the or other person who is entitled to such notice for any meeting shall not invalidate the proceedings of the meeting. The onus is on the company to prove that the omission was not deliberate. ये नहीं समझा ना, ओनर्स, ठीक है। अभी एग्जांपल मैंने बोला रोहित ने खून किया, क्या रोहित ने खून किया, तो अभी जवाबदारी किसका है कि प्रूफ करने का कि उसने खून नहीं, मेरा क्यों, उस वो अपना बचाव करेगा ना येड़े। अभी समझ, पुलिस आया, पुलिस तेरे को उठा के लेके गया, बोला तूने मर्डर किया है, तो तुझे साबित करना है ना कि मैंने मर्डर नहीं किया है, पुलिस थोड़ी करेगा साबित। अरे हाँ या ना, तो ओनर्स कौन रहता है, जनरली ओनर्स जिस पे केस करते ना अपन, उस पे रहता है कि नहीं नहीं मैंने नहीं किया है ऐसा। Mr. Abhinav, a member of Elixir Logistics Limited, filed a complaint against the company for not serving him a notice for attending the AGM. The company in turn provided the proof that they had sent the notice by way of
an email to Mr. Abhinav inviting him to attend the AGM of the company. Mr. Abhinav alleges that he never received the email. State whether the company is liable to be guilty for contravening the provisions of Section 101 of the Companies Act 13. Read with the applicable rule. कंपनी का प्रॉब्लम नहीं है उसको, वो बोल देगा कि मेरे कंट्रोल में नहीं था या ऐसा कुछ तो चल। ये चार पॉइंट तो अपन ने लिखा है, ये था ये एक लिख देना, नॉन एडिटेबल फॉर्म में होना चाहिए और कंपनी शाल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फैक्टर्स बियॉन्ड इट कंट्रोल, ये दो पॉइंट इधर लिख दो तुम लोग। अरे नहीं, ये चार पॉइंट लिखा है ना मैंने इधर, कुछ नहीं सर, इधर तुम पांचवा और छठा पॉइंट लिख देना। अरे हाँ या ना, आगे पढ़ लिख दो क्या, नॉन एडिटेबल फॉर्म में रहना चाहिए और नॉट रिस्पॉन्सिबल और फैक्टर्स ना, एज पर रूल 18(3)(5) ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन द कंपनी ऑब्लिगेशन शाल बी सेटिस्फाइड व्हेन इट ट्रांसमिट्स द ईमेल एंड द कंपनी शाल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर इन ट्रांसमिशन बियॉन्ड इट्स कंट्रोल। ऑल्सो रूल 18(3)(6) इफ अ मेंबर एंटाइटल टू रिसीव द नोटिस फेल्स टू प्रोवाइड और अपडेट रेलेवेंट ईमेल एड्रेस टू द कंपनी और टू द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एज द केस मे बी द कंपनी शाल नॉट बी इन डिफॉल्ट फॉर नॉट डिलीवरिंग नोटिस वाया ईमेल। Accordingly, Elixir Logistics Limited shall not be held guilty if there was a failure in transmission beyond its control or in case where Mr. Abhinav did not update his email address. Shorter notice of less than 21 days. Proviso to Section 101. As noted earlier, usually general meetings need to be called by giving at least a notice of 21 clear days. However, a general meeting may be called after giving shorter notice than that specified in subsection 1 of the section 101 if consent in writing or by electronic mode is accorded thereto. In the case of an AGM by not less than 95% of the members entitled to vote threat, and in the case of any other general meeting by members of the company holding if the company has a share capital majority in number of members entitled to vote and who represent not less than 95% of such part of the paid up share capital of the company as gives a right to vote at the meeting, or having if the company has no share capital not less than 95% of the total voting power exercisable at that meeting. Where any member of a company is entitled to vote only on some resolution or resolutions to be moved at a meeting and not on the others, those members shall be taken into account for the purposes of subsection 1 of the section 101 in respect of the former resolution or resolutions and not in respect of the latter. In meeting mein uska haq tha vote karne ka, तो उसको गिनेंगे, नहीं था तो नहीं गिनेंगे। The paid up share capital of Akash Soaps Limited is ₹50 lakh divided into 5 lakh shares of ₹10 each. The directors of the company are desirous of calling an extraordinary general meeting by giving a shorter notice which is less than 21 days. 60% of the members holding shares worth ₹40 lakh accorded their consent by electronic mode to the shorter notice. Whether AGM can be validly called. लाख डिवाइडेड इनटू 5 लाख शेयर ऑफ 10 हाँ 60% लोग मान गए, मेजॉरिटी को गया इन एक 95 90 लाख डिवाइडेड बाय 50 करो 80%
नहीं है 80% हुआ क्या नॉट वेल वैलिड है क्या हाँ मेजॉरिटी हाँ ड्यूअल मेजॉरिटी समझा ना 80% लोग ही मान रहे मेजॉरिटी मान गए ये तो उल्टा भी हो सकता है मेजॉरिटी नहीं है बट ये 95 आएगा कोई कोई दोनों होना चाहिए अरे समझा ना इन द अबव केस कंसेंट टू कॉल द एजीएम बाय शॉर्टर नोटिस हैज बीन अकॉर्डेड बाय 60% मेंबर्स होल्डिंग द शेयर्स वर्थ ₹40 lakhs विच वर्क्स आउट ऑफ 80% 40 lakhs डिवाइड बाय 50 lakhs इन 200 चार्ज लिखे वेरियस द हाँ पढ़ू कि नहीं वेरियस द रिक्वायरमेंट इज दैट मेजोरिटी इन द नंबर ऑफ मेंबर्स हु रिप्रेजेंट नॉट लेस देन 95% ऑफ पीडब शेयर कैपिटल विच गिव्स देम अ राइट टू वोट एट द मीटिंग दैट इज शेयर होल्डर्स होल्डिंग शेयर्स वर्थ ₹47,50,000 मस्ट कंसेंट टू शॉर्टर नोटिस देयरफॉर एजीएम कैनॉट बी वैलिडली कॉल्ड एज हेल्ड तो ऊपर रहेगा सर धीरे धीरे सरकाओ शायद दिखेगा धीरे धीरे सरकाओ ना रुको 101 था अभी ये मेरे को लगेगा धीरे धीरे आओ इधर है ही नहीं कहते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग सेक्शन 100 ई ओ जी एम ओ जीरो हाँ